छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं आपको। वहां पर भी 15 सालों से बीजेपी का शासन है। रमन सिंह 2003 से ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार तस्वीर क्या है, 90 सीटों पर बदल जाएगी। रायपुर लेकर चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, आज वहां परिणाम आने वाले हैं, और परिणाम आने से पहले ना केवल नेताओं की चिंता बढ़ गई है, बल्कि हर वो आम आदमी जो मतदान कर चुका है, उसके मन में भी इस बात का इंतजार है कि आखिर उन राज्यों में सरकार किसकी बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हम इस वक्त, और रायपुर में देखिए रायपुर की जनता सुबह सुबह ये अनुपम गार्डन मैदान में पहुंची है। इनसे जानते हैं कि आखिर जो चुनाव हो चुका है और आज उसके परिणाम आने हैं, उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। मुझे लगता है कि परिवर्तन की लहर हुआ है और बदलाव आना चाहिए। हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो कुशासन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि परिवर्तन होना चाहिए। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी, हमारे तो कमल फूल ही है। कौन जीतेगा? वैसे तो हमको दोनों पार्टियों में बीच कांटे की टक्कर लग रही है, अगर कोई भी जीते वो 49 और 51 का ही आंकड़ा रहेगा। कौन सी पार्टी जीत रही है? बहुत कसमकस है, है ना, 2-4 सीट का ही अंतर आएगा, इससे ज्यादा अधिक का अंतर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? बदलाव आ सकती है ऐसा लग रहा है भाई, अब जाने जनता क्या किस्मत दिए हैं। बदलाव के साथ हैं आप, बदल रहा है कुछ? हाँ बदलेगा, परिवर्तन तो आना चाहिए। परिवर्तन की बात करें, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीती है सर इसमें, है ना, और परिवर्तन पूरी लहर दिख रही है। कौन जीत रहा है आपको क्या लगता है? निश्चित ही परिवर्तन की लहर है, चूंकि वर्तमान में भाजपा बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे जनता बहुत त्रस्त है, इसलिए अभी परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। परिवर्तन की बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत? नहीं, बीजेपी आ रहा है, हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी ही आएगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी आएगी सर। कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी। अलग अलग लोग हैं यहाँ, युवा हैं, वरिष्ठ हैं, महिलाएं हैं, रायपुर की जनता है जो मतदान कर चुकी है और इंतजार कर रही है कि आज जब परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में चौथी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे या तो फिर सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या कमल खिलेगा या किस्मत कांग्रेस की खुल जाएगी, ये सवाल बने हुए हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही थी, कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे थे राजकिशोर वहां पर कुछ कह रहे थे नहीं बीजेपी को वापस आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मुकाबला रमन सिंह के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए 15 साल वो सत्ता में रह चुके हैं, उसके बाद भी अगर आधे से ज्यादा लोग शहर में ही सही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन तब भी अगर इतने लोग करें तो रमन सिंह के लिए आशा की किरण तो दिखाई पड़ती है। और वैसे भी एग्जिट पोल में निश्चित तौर पर उनको आगे दिखाया गया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मुकाबला वाकई बहुत कांटे का। लेकिन रमन सिंह पे भरोसा तो जता रहे हैं, और 15 साल भी बाद भी लोग भरोसा जताएं तो ये नेता के लिए उपलब्धि मानी जाएगी या नहीं? नहीं, आपको याद होगा कि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आ रहे थे तो 1:30 बजे तक कांग्रेस आगे थी, लग रहा था कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, और 1:30 बजे के बाद रुख बदलना शुरू हुआ। कांग्रेस केवल 0.75 यानी 0.5% वोटों से पीछे रह गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो वहाँ चुनाव पिछली बार भी फंसा हुआ था, इस बार भी फंसा हुआ। चलिए तो मामला बेहद दिलचस्प। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।